सिद्धार्थ परिणीति और जावेद सर तीनों से, जायरा वसीम ने कल पोस्ट किया था कि वो बॉलीवुड छोड़ रही हैं बिकॉज हाँ, तो आपने पढ़ा होगा ना पोस्ट, तो मतलब आप लोगों का इसमें क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद वो डिटेल में पढ़ा नहीं है, मैंने बस हेडलाइन पढ़ी जो शायद आपने किसी ने लिखी है, आप बता दीजिए क्या है वो इशू क्या है। आप सही में बता रहे हैं, क्या बात है, नरेट करके मानते नहीं है। आई थिंक उनका पर्सनल मैटर है सर, मेरी कोई सही नहीं है उसमें, राइट और ना ये जगह है उस चीज की बात करने के लिए, आप उनसे सवाल करिए प्लीज। सॉरी, 2 अगस्त इज द रिलीज ऑफ दिस मूवी जिसको हम जी कोई डायलॉग आप बोल के सुनाए कि अभी देखना है कि आप फिल्मी फीवर से उतर चुके हैं कि अभी भी आप मूड में हैं। अच्छा, ये हुए जबूरे गुलाटी मारेगा जबूरे, अरे इतना भी ट्रेलर दो बार दिखाया है आपका, देखा नहीं आपको? रियल में देखना चाहिए, नहीं हो यार कोई, वो मैं ही हूँ। अभय सिंह कहते हैं हमको, हम शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं क्योंकि हमना हमारा खर्चा सेम है, 4 फूल 10 लोग। शादी की जगह श्राद्ध का पंडित जी, शादी की जगह श्राद्ध का मंत्र पढ़ देंगे और बैंड वाले डोली सजा के रखने की जगह से याद तेरी आएगी मुझे बड़ा दर पाएगी बजा देंगे। अब तुम बताओ कहाँ पहनोगे, शेरवानी या कफन? शेरवानी में 2 कलम मिलेगा और कफन तो तुम जानते हो बेटा। यू नो अक्सर एक्टर्स की जब बात करते हैं, मेथड एक्टिंग की लोग बड़ी बात करते हैं, आप लोग को जब भी हमने देखा, यू गाइस गेट इनटू द यू नो द कैरेक्टर, यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या करना, उठवाया लोगों को, उठाए क्या करा? मुझे एक्चुअली लड़कियों को उठाने का एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पे लड़कों को उठाना था तो काफी मेहनत लगी, काफी प्रैक्टिस लगी जी, और बड़ा मुश्किल था उसको कन्विंसिंग भी करना क्योंकि लड़कों में इतना इंटरेस्ट मतलब है तो, बट लड़कियों में अलग इंटरेस्ट है, अलग लेवल है, अलग लेवल। यादव साहब आप बताएं हमें थोड़ा सा, या प्लीज टेल अस हाउ वाज इट फॉर यू? मुझे लड़के उठाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कह सकते हो अभी प्रैक्टिस हो गई है, जब मेरी शादी होगी आई थिंक वो मानेगा नहीं तो मैं ये करने वाली हूं। हम तैयार हैं। ओह, इसे कहते हैं जवाब उठाने के लिए, साथ देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है भाई, तैयार। हां कर दिया यार सिद्धार्थ ने, यही छापने वाले हो जी। हां ऑफ कोर्स, सुनिए राइट जावेद सर, यू नो वन मोर टाइम, मतलब जैसे कहते हैं ना, ठोक डाला, बजा डाला, कमाल कर डाला, व्हाट डू यू हैव टू से, यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कास्ट एंड क्रू? इट वाज फॉर मी वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज अप्रोच्ड टू प्ले द फादर ऑफ अ लीडिंग मैन, आई सेड ओके इट्स अ फर्स्ट स्टेप, आई हैव टू डू इट समवेयर, तो कहीं तो करना है, तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी, प्रशांत ने जब हमें सुनाई तो बहुत कन्विंसिंगली एक सेट सिटिंग में हम समझ गए कि ये बड़ी सही फिल्म है। सिद्धार्थ का नाम लिया, I love him, I admire him, he's got a great personality. They also. But so I and Pariniti, of course, I love the way she's, you know, it's like organic hai. She grows with the role. So I just love the cast which came together. And right. So mujhe laga ke iska ek hissa banana zaruri hai. So theek hai, baap sahi to baap sahi. Absolutely. Chandan, this one's for you. You know, we saw the masti on the big screen. Saath hi yahan pe ye jo banter ho raha hai, isme hi samajh mein aa raha hai kya kya set pe ghata hoga, and especially with Pari and Sid. So please tell, are itni muskurahat? Batao andar ki baatein. To thoda sa batao, haan, thoda kuch do masala. Haan, to matlab Siddharth, Pariniti aur hum to khair Siddharth ki taraf se hain, ladke walon ki taraf se hain. Ye ladke walon ki taraf se hain. आवाज दीजिए यार, लड़के वाले हैं भैया, किसी को उठा के ले जाएंगे। अरे यार मेरी लड़की वाले को भी बुलाओ यार, ये देश स्विंग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी था, मतलब कि जो प्रशांत ने जब कहानी हमको पढ़ने के लिए दी थी तो सबसे जरूरी था कि एक तो हमको ये भोजपुरी जो भाषा है, जो बोल है, चाल है, वो सीखना था। तो सिद्धार्थ और हम वहाँ से शुरू हुए हमारी जर्नी, और फिर हम पहुंचे वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जहाँ पे हम लोग को शूट करना था, तो हम लोग शायद 1-2 महीने तो वहीं रहे थे हम लोग एक तरह से। आप तो नहीं थी वहाँ पे? मैं अग्री कर रही हूँ, मैं होटल में वेट कर रही थी ना, तुम लोगों का खबर रखती है हमारा। में बहुत कुछ दबा तो 1-2 महीने हम सिद्धार्थ, हमारे और भी 2-4 पंटर है, हम लोग सब एक साथ सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहीं रहते थे, कभी लुंगी में, कभी कभी क्या पोल खोल रहा भाई, तो क्या डिटेल में मजा नहीं बस रहते थे इतना। बेसिकली जो मैसेज की बात या हुई है, तो कई तरह से हम लोगों ने वो किया है, इस चरित्र को हम लोगों ने सबने निभाया है, जिया है। और आप लोग जो सिद्धार्थ के यहाँ फैंस हैं, बहुत सरप्राइज होंगे, जो उन्होंने जो इस फिल्म में जो कमाल किया है वो आप देखेंगे।
And again, character में घुसके जिस हिसाब से वो बोल चाल रंग ढंग, that's amazing. एक बार जोरदार तालियां, come on, ladies and gentlemen. And now, it's yeah, over actually, to the I just want to add one thing. You know, please, honestly, please. After because Sid को मैंने देखा था as a super, very good personality person on in other films. इस फिल्म में जब मैंने साथ में काम किया, you know, he's really बहुत मेहनत करके he's gone under the skin of the character और एक नए तरीके का एक बहुत मजावा काम किया है. So I really thank you, sir. Amazing. Thank you, sir.